तो राम राम मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बुढ़े ताऊ ने। लंपी बीमारी, इसके बारे में हम पहले भी आपको जागरूक कर चुके हैं कि लंपी बीमारी हरियाणा में आ रही है। और अब क्या हो रहा है कि हरियाणा में धारा 144 ए लागू हो गई है और ये कुछ जिले में लागू हुई है, और कैसे मतलब किन किन जिलों में है, तो उसके पूरा विवरण आप इस वीडियो में लगा। सबसे पहले जो अपडेट है वह फतेहाबाद से है, और फतेहाबाद से हमारे जो जिलाधीश हैं प्रदीप कुमार जी, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि लंबी बीमारी की रोकथाम व इसे फैलने से रोकने को लेकर जिले में धारा 144 ए लागू करते हुए एक साथ अधिक पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जो पशु हैं उनको नहीं ले जा सकते, और इसके साथ साथ मृत पशुओं की खाल को उतारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अगले जो अपडेट है वो है अपने पानीपत जिले से। पानीपत में भी यहाँ पर पशुओं को जिले में लाने व बाहर ले जाने, मतलब ना तो पशु अपने जिले में आ सकते हैं पानीपत में, और ना पानीपत से आप बाहर लेकर जा सकते हो, इसके ऊपर रोकथाम लगा दी गई है। और पशुओं का टीकाकरण का जो कार्य है वो उच्च स्तर पर है, मतलब काफी प्रयास कर रहे हैं सरकार के द्वारा, काफी प्रयास किया जा रहा है। और जिला वासियों से उपायुक्त की जो अपील है कि जो घरों में दूध आप पी रहे हो पशुओं का, वो तो दूध को थोड़ा उबाल कर जरूर पी ले, तो ये आदेश दिए गए हैं। और इसके साथ साथ नू जिले से भी है अपडेट, इसकी नू में इन जिलों में राज्य पशुधन के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। जिलाधीश सुबीता डाका, जो जिलाधीश सुबीता डाका है, उन्होंने ट्वीट किया है और 144 ए के तहत प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो नू जिले में भी धारा 144 ए लागू हो चुकी है। उसके बाद आपका जो अपडेट है पंचकुला जिले से है, और पंचकुला जिले में भी यही अपडेट है कि आपसों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है। और इसके साथ साथ आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट पर भी, आपका जैसे कि आप ट्वीट देख पा रहे हो, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो अपने पशुओं में अगर आपको ये लगता है कि लंबी बीमारी की कुछ शिकायतें हैं, तो अपने पशुओं से थोड़ा दूरी बना के रखें, और अब उस पशु को जो पशु बीमार है उसको अन्य पशुओं से थोड़ा अलग रखें, और उसके खान पान का विशेष ध्यान रखें, उनको तरह तरह की अपने जो मेडिसिन है वो देते रहें। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेट, ताजा अपडेट पाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर कर लें, और भविष्य में आपको यहाँ पर इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने मिलती रहेंगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।